fan, this is Sunny. Welcome to my channel LED LCD TV Technician. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates of my video. Hello friends, कैसे हो आप सब? Hope आपको मेरे videos पसंद आते होंगे. जैसे कि दिखता तो है कि पसंद आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि 7000 subscribers हो गए हैं मेरे, और इसके लिए thanks किसको? आपको. आप मेरे से इतना जुड़े हैं, आपके likes, आपके comments, thank you for that. और होप नेक्स्ट वीडियोस पे भी, और बहुत सी जो भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी, आप उस पर लाइक कमेंट्स डालते रहें, और जो डिसलाइक करते हैं, जो हेटफुल कमेंट्स डालते हैं, वो सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. मैं जितना कर रहा हूँ उसके हिसाब से डाल रहा हूँ. आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप हेट कर रहे हो, तो नो इशू, करते रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. जो मेरे को प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए और भी वीडियोस आते रहेंगे. और इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मेरे पास एक बोर्ड आया है CV338H A42. इसमें मेरे पास आया है, इसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था. पावर सप्लाई में इसका बर्स्ट हुआ था, जल गया था पावर सप्लाई. इसमें मैंने पावर सप्लाई रिपेयर किया है. रिपेयर करने के बाद इसमें पता लगा, हाँ, रिपेयर में मैंने इसमें एक मॉड्यूल लगाया अलग से, DMO465. इस DMO465 लगाने से इसका पावर सप्लाई ऑन हो गया, ठीक है, सक्सेस हुआ है. इसमें 40 इंच में लगाने वाला है, ये सक्सेस है. प्लस इशू ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर का भी इशू था. तो सॉफ्टवेयर हमें अभी दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे. फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें सॉफ्टवेयर करना, अब देख ही रहे हैं इस मदरबोर्ड में. हाँ, ये मदरबोर्ड दो वेरिएंट में आते हैं, 1:4 and 1:8. 1:8 मीन्स 1 GB रैम एंड 8 GB इंटरनल, एंड ये है शायद 512 है शायद, कि 1 GB है पर 4 GB इंटरनल मेमोरी है, ये पक्का है. ओके फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा बोर्ड है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बोर्ड है. चलिए देखते हैं सॉफ्टवेयर हम कैसे करते हैं. मेरे टेबल पे चलते हैं. चलिए फ्रेंड, हम अपने लैपटॉप पे आ जाते हैं. ये लैपटॉप में मेरा पेन ड्राइव इंसर्टेड है, और इस पेन ड्राइव के अंदर फाइल भी इसके अंदर ही है, CTV अपग्रेड या फाइल है. इसके अलावा और कुछ चढ़ाना नहीं पड़ता है, जस्ट CTV अपग्रेड फाइल है. और पेन ड्राइव अभी हम निकालेंगे, पर पेन ड्राइव निकालते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे इजेक्ट करें. डायरेक्ट पेन ड्राइव निकालने से फाइल पे इफेक्ट होता है. इसको राइट क्लिक करके इजेक्ट दबाइए, और फिर हम पेन ड्राइव निकालेंगे, ठीक है. और ये पेन ड्राइव हम अभी बोर्ड पे यूज़ करेंगे. ओके फ्रेंड्स, ये अभी मैंने पेन ड्राइव को USB स्लॉट में डाला है बोर्ड के, और AC प्लग दिया, पर इसने सॉफ्टवेयर नहीं लिया. इसका रीज़न ये है कि मैंने इसका स्टैंड बाय का की प्रेस नहीं किया था. और इसको बोर्ड को सॉफ्टवेयर करने के का तरीका ये है कि स्टैंड बाय का की प्रेस करने करते ही और AC प्लग कीजिए, और इस तरह से ये सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग चालू हो जाएगा. और ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, रेड ब्लू, और ये तकरीबन 2 मिनट लेगा. ये मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो इसके लिए ये इसमें जल्दी हो जाएगा. और 100% तक हमको रुकना है इसको, और ये अपने आप होने के बाद रीस्टार्ट मारेगा. ये सॉफ्टवेयर हो चुका है, बोर्ड रिस्टार्ट ले आए, और ये जैसे ही रिस्टार्ट लिया, हाँ ये देखिए फुल आ गया, स्मार्ट टीवी लिख के आ गया. और ये A42 और A50 का फुल बन के आता है, लिख के आता है. और इस ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें सैमसंग का रिमोट प्री इंस्टॉल्ड है, और इसमें सैमसंग का रिमोट काम करता है. और ये फर्स्ट टाइम चालू होने के लिए बहुत टाइम लेता है, तकरीबन 3-4 मिनट लेता है. और इसके लिए मैंने ये पार्ट भी मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया है कि ये जल्दी से जल्दी हो, ठीक है. ये सब इसका लोडिंग हो गया, और ये देखिए इसका रास्टर आ चुका है, और देखेंगे आप काम कर रहा है. देखिए वॉल्यूम, आप शायद देखें तो वॉल्यूम की काम कर रही है. और मेन्यू 1147, मैं इसका सर्विस मोड खोल रहा हूँ. इसका मेन्यू 1147 सर्विस मोड है, देखिए आप सर्विस मोड खुल चुका है. और इसका मेरे को पैनल मैपिंग का प्रॉब्लम है, पैनल मैपिंग करना है इसका. ये पैनल ये वाला है, इसका पैनल का सेटिंग का है, इसके अंदर जाना है हमको.
ये है मैपिंग के मेन्यूज़ हैं, ये आप देखेंगे तीन चार मेन्यूज़ हैं, इसमें आप जैसा पिक्चर के हिसाब से सेट कीजिए, कलर डेप्थ प्लस 8 बिट एंड 6 बिट जो आप पिक्चर के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, प्लस फुल HD नॉन HD सब रेजोल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड ये करने के बाद आपको सेव करना है, ओके दबाना बटन दबा के, देखिए मैंने दबाया इस ओके और ये सेविंग हो गया, ये सेव हो चुकी, जो भी आप सेटिंग करेंगे सेव करना है आपको, नहीं तो आप पहले वाली पोजिशन पर पहुँच जाएंगे। और अभी मैंने स्टैंड बाय किया है इसको, अभी फिर से स्टार्ट करूँगा, AC सप्लाई दिया, ये चालू हो रहा है, फिर से फुल बन के आएगा, ओके फ्रेंड्स ये फुल आ गया और पिक्चर एकदम ओके है और आप देख सकते हैं सब ठीक है, काम कर रहा है इसमें और अभी काम करने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमने इसमें सॉफ्टवेयर कैसे किया, होप कोई आपको स्टेप रह गई हो समझना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मेरा ये नंबर यहाँ से या यहाँ से ब्लैंक होता रहेगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस दिखा दूंगा, प्लस मेरा एक नया वेबसाइट खुला है, चालू किया है www.ledlcdtechnician.com, ये मेरी वेबसाइट है, आप इस पर विजिट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए, इस पर डेली कोई ना कोई अपडेट आएगा हर बोर्ड के बारे में, जैसे मैंने अभी पिछले बार 821 फिर इसके बाद 801 फिर इसके बाद 821 फिर उसके बाद अभी हमने HV320.PV801 का अपडेट किया है वहाँ पे, और इसके बाद अभी एक दो दिनों में ये अपडेट हो जाएगा A42 का भी बोर्ड, वहाँ पे हम बता देंगे इसमें क्या क्या है कैसा होता है, प्लस इसके पूरे डिस्क्रिप्शन बता देंगे वहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो घंटा बजा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम दिखाएंगे सोनी सैमसंग का हमने रिमोट कैसे चलाया। गुड बाय फ्रेंड्स।